नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की सियासत में। पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनावों में अगर बीजेपी जीतती है तो एके शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि एके शर्मा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीतिक पारी शुरू की थी। इससे पहले भी यूपी बीजेपी में योगी बनाम एके शर्मा की अटकलें तेज होती रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर आज की, जहां पर हरिनारायण ने कहा है कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतती है तो एके शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। आरएलडी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि रालोद प्रमुख ने जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में सपा अध्यक्ष से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ने आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बाद में दोनों नेताओं ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुलाकात की एक तस्वीर साझा की है। जयंत ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमने संबंधों को मजबूत किया। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा है कि जयंत चौधरी जी के साथ यूपी के भविष्य के विकास के बारे में बात की गई है। बता दें कि गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए दोनों नेताओं ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में लखनऊ में मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद दोनों ने चुनावी साझेदारी को अंतिम रूप देने की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चमोली के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में पंजाब कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका है और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर जोरदार आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा काफिले में जिस तरह से सेंध लगी थी, उस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए बस स्टैंड गोपेश्वर में पुतला दहन किया। वहीं जिले के सभी मंडल मुख्यालयों में भी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है कि चुनी हुई सरकार और सरकार के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जैसे मुख्य सेवक की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते, तो ऐसी सरकारों से क्या अपेक्षा की जाए, वो जनता की सुरक्षा क्या ही कर पाएंगे। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग का अलर्ट सच साबित हुआ है। पनार घाटी से लेकर पर्यटन स्थली औली में जहां जमकर बर्फ गिरी, वहीं इसके चलते नेशनल विंटर गेम्स की तैयारियों को भी बल मिला है। पिछले 24 घंटों से चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। वहीं जोशीमठ क्षेत्र के सुनील, परसारी, मेरग, तुगासी में भी अच्छी बर्फ देखने को मिली है। कल रात जो औली में 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास जो स्नोफॉल हुआ है, इससे जो अभी यहाँ पे नेशनल गेम होने वाले हैं फरवरी माह में, उससे स्कीइंग प्रेमी और होटल व्यवसाय में एक अच्छी उम्मीद जग चुकी है कि औली में अच्छी बर्फबारी हो चुकी है, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन उभरेगा और जो यहाँ पे नेशनल गेम होने वाले हैं उसमें काफ़ी मनोरंजन मिले। कानपुर के किदवई नगर, कंजनपुरवा और इसके आसपास में 10-12 साल के बच्चे चरस और गांजा बेचने का काम कर रहे हैं। यहां महिलाएं और उनके छोटे बच्चे चरस, गांजा और नशे की गोलियां बेच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कानपुर पुलिस जानबूझकर भी अनजान बनी हुई है। जहां इस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथ में गांजे से भरी सिगरेट देखने को मिलती है। हालांकि हमारे संवाददाता विकास चौहान ने खुफिया तरीके से इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल लाजमी है कि क्या एक तरफ सरकारें कहती हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिसके नन्हे मासूम हाथों में भारत का सुनहरा भविष्य होना चाहिए, उसके हाथ में नशे का सामान, ये न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है बल्कि ये सरकार के ऊपर भी बड़े सवाल खड़ा करता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, उसके ऊपर हमने लिखा है कि उड़ता कानपुर। ये इसलिए लिखा गया है कि जहां एक तरफ बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि इस तस्वीर को हमारे संवाददाता ने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ जाहिर करती हैं। ये दिखाती हैं कि समाज में किस कदर नशे की सौदेबाजी जो है वो अब बच्चों को भी अपनी जकड़न में ले रही है। तो नशे के सौदागर कौन है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे चरस, गांजा ये सब बेचते हुए, खरीदते हुए और इनका उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन किस नींद में सो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि प्रशासन तो प्रशासन, लेकिन शासन क्या कर रहा है, क्या इस पर लगाम लगाई जाएगी या ये इस कदर ही जारी रहेगा।
कानपुर से ये तस्वीरें। थाना किरवे नगर क्षेत्रीय कंजपुरवा कॉलोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित पहचान कर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप सीओ बाबू पुरवा को सुन रहे थे, वो किस कदर बता रहे थे कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि किस कदर बच्चे जो है वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, किस कदर बच्चों के बीच चरस गांजा ये सब आम हो गया है और इसकी उपयोगिता भी उनके बीच आम दिखने लगी है। चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से गांधी समाधि पर कैंडल मार्च निकाला गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस सरकार की साजिश बताया है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ऋषभ ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो रामपुर से तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस का विरोध किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में लगातार बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने यह जानबूझकर किया, साजिश के तहत किया, साथ ही साथ पीएम की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस विफल रही है। तो पंजाब कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का विरोध किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। रामपुर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, साथ ही साथ सोनिया गांधी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। पंजाब में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जिस प्रकार पंजाब सरकार कांग्रेस द्वारा जो चूक हुई उसके विरोध में हम ये कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, जिनके द्वारा ऐसे तथ्य, वो एक हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो शिलान्यास करने जा रहे थे वहाँ पे, ना कि किसी रैली में, वहाँ पे उनको सौगाती देने जा रहे थे। तो जिस प्रकार उनकी सुरक्षा में चूक हुई उसको लेके हमने यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के रामपुर द्वारा। दर्शकों, कोविड-19 संक्रमण के बाद से जूता कारोबारियों का रुझान एकदम से प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ा है। आगरा दिल्ली हाईवे स्थित मथुरा और कोसी कला समेत कई प्राइम लोकेशंस पर करोड़ों का निवेश किया गया। कुछ अन्य प्रभावी क्षेत्रों में भी निवेश किए गए हैं। इनमें निवेश के तरीके पर संदेह है, जिनकी पड़ताल आयकर अधिकारी छापेमारी के चौथे दिन भी करते रहे। शहर के चारों प्रमुख जूता कारोबारियों के आवास, कार्यालय, प्रतिष्ठान और फैक्ट्रियों पर चल रही आयकर विभाग की जांच शाखा की कार्रवाई में अधिकारियों को अलमारियों और लॉकरों से कागजात का जखीरा मिला है। साथ में तमाम डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं जो कारोबारियों की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर में किए भारी निवेश की कहानियां बयां कर रहे हैं। कारोबारियों ने आपसी साझेदारी से कई प्राइम लोकेशन जैसे आगरा दिल्ली हाईवे पर कोसी कला और मथुरा फतेहाबाद रोड, इनर रिंग रोड, जयपुर रोड आदि में बेशकीमती प्रॉपर्टी में निवेश किया है। कुछ में सभी जबकि कुछ में एक या दो कारोबारियों की हिस्सेदारी है। तो आयकर विभाग की लगातार छापेमारी, आगरा से तस्वीरें जहां पर आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें कि जूता व्यापारियों के द्वारा खरीदी जा रही प्रॉपर्टी को लेकर अब संशय उठने लगा है, तो ऐसे में अब आयकर विभाग लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें कि आयकर विभाग में की ओर से की जा रही है छापेमारी, इसका चौथा दिन है जब जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर, आवासों पर, कार्यालयों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। प्रतापगढ़ के मोहनगंज से जेठवाड़ा जाने वाले मार्ग पर दो कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके चलते आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो दो कारों की आपस में भिड़ंत हुई, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर प्रतापगढ़ में देखने को मिला है। किस कदर कार क्षतिग्रस्त हुई है, किस कदर कार चकनाचूर हो चुकी हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां पर दो कारों की आपस में भिड़ंत हुई है।
सीतापुर के खैराबाद कमौल स्वराज संगत के महंत मुनि बजरंग दास ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए मां बंगला देवी मंदिर में अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए हवन किया। महंत मुनि बजरंग दास ने कांग्रेस पार्टी को आतंकी संगठन तक बता डाला है। तो सीतापुर से तस्वीरें हैं जहां पर महंत मुनिदास ने प्रधानमंत्री की सलामती के लिए हवन किया, यज्ञ किया है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि महंत मुनि बजरंग दास ने कांग्रेस पार्टी को आतंकी संगठन तक बता दिया। ये हम मां बंगला मुखी के चरणों में प्रार्थना किए हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नामक एक आतंकी संगठन हमारे राष्ट्र के प्रमुख हिंदुओं के सिरमौर्य मां भारती के लाल नरेंद्र मोदी जी को मारने का प्रयास खलिस्तानी आतंकवादियों से मिलकर पाकिस्तान से मिलकर कर रहा है और कई बार किया, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम आपने देखा कि पंजाब के अंदर किस प्रकार से मोदी जी को मारने का प्रयास किया गया। कुछ दिन पूर्व भी ओवैसी जैसे जिहादी ने कहा था कि मोदी और योगी चले जाएंगे, ये उसी क्रम में है, उसी क्रम में प्रतीत होता है, क्योंकि मारने का प्रयास बार बार किया जा रहा है और मारने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज हम लोगों ने अपने शिष्यों के साथ, संतों के साथ मां बगला मुखी के चरणों में प्रार्थना की है कि माननीय मोदी जी की और ही आगे बड़ी करें। मुरादाबाद में जांच में नाम निकालने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी सब इंस्पेक्टर ने रेलवे के टीटी से 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद 20,000 की पहली किस्त लेते एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। तो एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया सब इंस्पेक्टर को। तस्वीरें मुरादाबाद की हैं जहाँ पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी एक टीटी से, लेकिन इसके बाद 20,000 रुपए की जो पहली किस्त थी उसको लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन की टीम ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। एक्चुअली क्या है कि मैं टीटी हूँ रेलवे में और 14 नवंबर को मैंने एक महिला को बिना टिकट चार्ज किया था जुर्माने के साथ। वो बिना टिकट पकड़ी गई थी और उसने जीआरपी सुल्तानपुर के साथ और आरपीएफ सुल्तानपुर के साथ मिलकर पहले मुझसे रिश्वत मांगी। जब मैंने उनकी शिकायत की तो मेरे पर छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज किया गया सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर से मुकदमा ट्रांसफ़र होकर आया है मुरादाबाद में, जिनकी विवेचना चंद्रपाल सब इंस्पेक्टर जीआरपी गाजियाबाद द्वारा की मुरादाबाद द्वारा की जा रही है। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि ये साबित होता है कि पर्चा फर्जी है, तो FIR लगाने के लिए मुझसे 1.5 लाख रुपये मांगे गए थे। तो आज पहली किस्त 20,000 रुपये मांगी थी तो 20,000 रुपये देते रहे, ढंड पकड़ा दिए गए हैं। सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम अभी संबल में रेड करने आए हैं, तो आज 9 बजे इन्होंने बुलाया था तो ये रेड हैंडेड पकड़े गए। शिकायत ये है एक टीटी डिप्टी टीटी ई चेक जो चेकिंग टीटी चेक करते हैं टिकट चेकिंग में जो रहते हैं उनका नाम है कोमल कृष्ण, जो पंजाब पटियाला के रहने वाले हैं। उनकी ड्यूटी 14 नवंबर 2021 को ट्रेन में टिकट चेकिंग में लगी थी। उन्होंने एक महिला श्रीमती शबनम खातून के नाम से एक महिला को बिना टिकट के पकड़ लिया था। उसके पास कहीं भी जाने का कोई टिकट नहीं था, जो महिला मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से चढ़ी थी। उसके बाद उनको चेक किया गया और टीटी के द्वारा जो है उनका 550 रुपये की रसीद काटी गई। उसने पहले तो बहुत आनाकानी की, उसके बाद खैर वो तैयार हो गई, 500 रुपये दिए, 50 रुपये फिर भी बाकी रह गए। और उसके बाद उस महिला ने इनको धमकी दी कोमल कृष्ण को कि देख लेंगे हम तुम्हें नौकरी करना सिखा देंगे, ठीक है, हम तुम्हारे खिलाफ़ जो करेंगे आगे देख लेना। उस महिला ने अगले दिन यानी कि 15/11 को सुल्तानपुर में जीआरपी थाने में इन कोमल कृष्ण के खिलाफ 354 का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम पंचायत ककरघटा गांव में हो रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया है। ग्राम प्रधान पर अपनी मनमानी का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। गांव के नाले का निर्माण कार्य और पानी की निकासी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसमें गाँववासियों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गाँव का जो मुख्य पानी के निकासी के लिए नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, ग्राम प्रधान उसको गाँव से बाहर निजी खेतों में पानी छोड़े जाने को लेकर बनवा रहा है, जिससे सभी गाँववासियों में आक्रोश है। तो ये नाली का जो पानी है इधर का इस बस्ती का इधर को या अच्छा हाँ इधर को गैर भी है, इधर को पानी आ गया। 30-40 साल हो गए हमें देखते हुए,
अब ये जो प्रधान ये कह रहे हैं, बोले ये पानी जो इस रोड तोड़ के ये डामर बोले उधर करो गांव में, ये गंदगी इस बस्ती की कम है, 250-300 आदमी रह रहे हैं इस बस्ती में, तो ये कह रहे हैं बोले उधर करो, बस्ती का तो इधर को बढ़ी रही है, तो नाली भी इधर की बढ़ेगी, जब इधर कोई पानी जा रहा है तो डैर भी इधर है, नदी भी इधर है। अच्छा, हाँ तुम किस तरीके की मांग कर रहे हो? हम इस तरीके की मांग कर रहे हैं क्योंकि उधर कोरोना का मामला चल रहा है, बीमारी वजह चल रही है, उधर को पानी नहीं जाना चाहिए सर, गांव के अंदर, गांव के अंदर को, गांव से बाहर होना, गांव के बाहर बाहर पानी जाना चाहिए, क्योंकि गांव का पानी उधर से पूरे गांव का पानी उसी नाली में आ रहा, हमारे घर के और शरीर पड़ोस के आगे के कमे तत्नी खड़ा हो जाता है डामर सड़क पर, डामर पर RCC पर। बिजनौर में लगातार बढ़ रही चोरियों पर शिकंजा कसने के लिए SP के दिशा निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नजीबाबाद क्षेत्र में हुई अलग अलग चोरियों के मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि चोर के साथ 3 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 8 लाख रुपए चोरी किए गए सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, विगत दिनों कस्बा नजीबाबाद में लगातार 3 चोरियां हुई जो मोहल्ला आदर्श नगर, कुंवर कॉलोनी और आरक्षीपुरम में। हमारी नजीबाबाद थाना पुलिस लगातार इस चोरी खुलासे के लिए लगी हुई थी। तमाम CCTV कैमरे की छानबीन की गई, उसके आधार पर जो अभियुक्त प्रकाश में आए उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा था। रात 12:15 के आसपास मुखबिर से सूचना मिली कि तेल डिपो के पास एक खंडार है, वहाँ पर लोग लड़के देखे गए हैं। इस सूचना पर जब हमारी पुलिस पहुँची तो विगत दिनों चोरी किए गए जो माल थे उसके बंटवारे कर रहे थे उसका ये लोग। उसमें से एक अजहर जो कि कस्बा नजीबाबाद का निवासी है वो पकड़ा गया। बिजनौर के बुढ़नपुर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की तरफ से नूरपुर स्योहारा मार्ग पर पार्कर पब्लिक स्कूल बुढ़नपुर में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पाशा की तरफ से दिव्यांगों, वृद्ध, विधवा, गरीब मजदूरों को 1000 कंबल और दिव्यांगों को 10 व्हीलचेयर, 25 ट्राईसाइकिल, 30 सिलाई मशीन, इसके साथ अन्य उपकरण का भी वितरण किया गया है। हम हर वर्ष 2-3 कैंप करते हैं। आज जो हमने कैंप किया है उसमें 1000 कंबल, 30 सिलाई मशीन, 25 ट्राई साइकिल और 10 व्हील चेयर और एक आदि का वितरण किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य जो है कि विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना है, गरीब लोगों की मदद करनी है और आने वाले समय में हम एक विकलांग आश्रम बनाकर उसमें कार्यशाला गठित करेंगे, जिसमें हम कैलिपर्स, बैसाखी आदि का निर्माण कर विकलांगों को निःशुल्क वितरण करेंगे। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट भी शुरू हो गई। इस मारपीट में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई। वहीं मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, रायबरेली की तस्वीरें जहां पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें रायबरेली की हैं, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर मारपीट करने लगे, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा में गलन और बूंदाबांदी के साथ सर्दी के बावजूद ताजमहल के दीदार के लिए पर्यटक उमड़ रहे हैं। बूंदाबांदी और सर्द हवाओं के साथ पर्यटकों ने ताज का दीदार किया। बारिश के बावजूद ताजमहल पर भारी भीड़ जुटी, बारिश का लुत्फ उठाते पर्यटक दिख रहे हैं। तो आगरा से तस्वीरें हैं जहां पर गलन और ठंड बढ़ने के बावजूद ताज का दीदार करने के लिए पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है। सीतापुर के रेवसा इलाके में आवारा गौवंशों से परेशान किसानों ने सभी को स्कूलों में बंद कर दिया। 72 घंटे हो गए आवारा गौवंशों को स्कूल में बंद हुए। आरोप है कि प्रशासन देखने तक नहीं आया। सभी गौवंश भूखे प्यासे हैं, इनको चारा,
खाना देने वाला कोई नहीं, ठंड भी बहुत हो रही है, बरसात भी हो रही है, अगर ऐसा ही रहा तो ये गौवंश भूख प्यास और भीषण ठंड से मर जाएंगे। अब सवाल ये है कि इनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। सीतापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गौवंशों से परेशान होकर ग्रामीणों ने इनको स्कूल के अंदर बंद कर दिया, लेकिन अब इनकी हालत ठीक नहीं है। भूख प्यास से ऐसा बताया जा रहा है कि भूख प्यास के चलते इन गौवंशों की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से कि आखिर इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून द स्मार्ट सिटी के हालात कुछ ऐसे हैं कि कैंट रोड में ट्रांसफार्मर के दरवाजे खुले पड़े हैं, नगर निगम की ढिलाई से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गढ़ी कैंट क्षेत्र की हकीकत और मौजूदा भाजपा विधायक गणेश जोशी के हालातों को साफ दर्शा रही है। हमारी संवाददाता निशी भाटिया की ये रिपोर्ट देखिए। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यानी कि स्मार्ट सिटी के कैंट रोड पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं आज यहाँ गढ़ी कैंट रोड पर मौजूद हूँ जो कहीं ना कहीं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये एक रोड है, और मैं आज आपको वो अनकट तस्वीरों से वाकिफ कराऊंगी जिससे शायद सरकार अभी कहीं ना कहीं सोती हुई दिख रही है। चुनाव आ चुके हैं लेकिन अभी भी सरकारों की नजर शायद उस तस्वीर पर नहीं पहुंची जहां मेरी तस्वीर पहुंच चुकी है। मैं यहां से गुजर रही थी तो मेरी वो तस्वीर और मेरी वो नजर इस चीज पर पड़ी जिस पर जनता और कहीं ना कहीं सरकार, सबसे पहले सरकार की ढिलाई, उस पर मुझे देखने को मिली है। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो इस खूबसूरत रोड की तस्वीर दिखा दे पहले कि कितनी चकाचक ये सड़क बनी हुई है, कि बिल्कुल अच्छे मटेरियल साथ साफ सफाई के साथ ये कैंट रोड है और यहाँ मिलिटेंट एरिया है, आरएमसी स्कूल यहाँ पर है और ये मसूरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र और ये रोड काफी पॉश एरिया के अंदर आती है और ये रोड काफी सुंदर दिख रही है। पर इस रोड के पीछे का आपको जो मैं अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। तो मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि आप वो हकीकत दिखाए आपको कि किस तरीके से सड़क बनने के बाद जो हालात हो जाते हैं, ये मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए। ये है सड़क के पार वाली तस्वीरें, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये एक नाला है जहां कहीं ना कहीं रुकावटें नजर आ रही हैं। यहां मुझे नाला दिख रहा है लेकिन ये नाला आगे जाकर कहीं ना कहीं चौक हो जा रहा है। यहां पर सड़क बनने के बाद जो है मलबा, जो आखिरी काम होता है, एक अच्छी चीज होती है कि सड़क बनने के बाद वो मलबा उठा लिया जाता है तो एक साफ सफाई से काम होता है, लेकिन यहाँ पर वो मलबा नहीं उठाया गया है, पत्थर ही पत्थर। और साथ ही साथ ये जो नाला है, मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें बनी रहे मेरे साथ कि किस तरीके से ये नाला आगे जाके चौके। यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में, और कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये नाला है जो वो ओवरफ्लो हो जाता है बारिशों के समय पे, और कहीं ना कहीं जो ये सारा पानी है नाले का और मलबा है वो सड़कों पर आ जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अनदेखी है, सरकार की नजरों से अभी भी दूर है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये नाला, पहले तो कंटिन्यूअस मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस नाले की तस्वीर क्या है, कि पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आगे जा जाकर ये नाला हर जगह से ब्लॉक हो रहा है, मतलब यहाँ से कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा ही नहीं है। इसके बाद अब मैं आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर से वाकिफ कराने वाली हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो उन तस्वीरों को दिखाए कि ये जो क्षेत्र है आरएमसी क्षेत्र, आरएमसी स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने का मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ कि यहाँ आगे जाके जो ब्लॉकेज हुई है वो उसकी तस्वीर के उलट चीज क्या है। ये है एक बिजली का खंभा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ आता है एक बिजली का खंभा जिसकी हालात मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में खतरा, डेंजर, ये सब चीजें तो लिखी गई हैं, पर नीचे आके आपको दिखा दूं कि डेंजर के हालात क्या है। यहाँ पर रोज लोगों की आवाजाही होती है और परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि अगर यहाँ पर रोड एक्सीडेंट भी हो जाए और इससे कोई टकरा जाए तो बहुत बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ पर लगातार जंगली जानवरों का आना जाना होता है, उनको भी इस चीज से काफी ज्यादा खतरा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई, नगर निगम की ढिलाई यहाँ साफ देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। इसके विपरीत आपको ये सुनहरे अक्षरों में जो बोर्ड लगाया गया है नगर निगम द्वारा और सरकार द्वारा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ काली माता मंदिर गली नींबू वाला गढ़ी कैंट रोड। मैंने आपको पहले भी बताया कि गढ़ी कैंट रोड है
और साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्र विधायक मसूरी विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं अभी आप देख सकते हैं माननीय श्री गणेश जोशी जी, इतने सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखा गया है, लेकिन जो माननीय जी की आपको दिखा दी कि हकीकत इस वक्त क्या है वो ये है कि माननीय जी का स्वागत और बोर्ड के नीचे क्या असल हकीकत है कि यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है चारों तरफ। आपको दिखा दूं मैं सड़क के हालात भी और कि यहाँ पर किस तरीके से मलबा जमा हुआ है। सड़क तो बना दी है लेकिन उसके बाद जो मलबा उठाने का काम है वो नहीं किया गया है, ना ही कोई प्रशासन द्वारा, ना ही कोई नगर निगम द्वारा। ये है एक गली, आप देख सकते हैं कूड़े का ढेर किस तरीके से लगा रहता है कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, पर फिर भी हालात कुछ इस तरीके से। मेरे को यहाँ पर मजबूर होने पड़ा कि मेरे को यहाँ रुक के इस चीज़ को कवर करना पड़ा और वाकिफ कराना पड़ा सरकार को कि उनकी असल हकीकत क्या है। तो मैं इस अनकट तस्वीर के साथ ही अपनी इस रिपोर्ट को खत्म करती हूँ। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।